हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस इलेक्ट्रिक फैन सॉल्यूशन चैनल पर। तो आप जो ये पंखा देख पा रहे हैं, ये दोस्तों चलते चलते बंद हो गया है, तो इसकी बीमारी का पता लगाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो अब हम इसमें बीमारी का पता लगाते हैं, तो इसके लिए हमें सीरीज बोर्ड की आवश्यकता होगी। तो हमने इसको सीरीज बोर्ड को रख लिया है साइड में इसके। अब फ्रेंड्स इस देख सकते हैं, इसके जो रेड वायर है वो मेन है और दो ब्लैक वायर हैं जो कि कंडेंसर के हैं। अब हमें एक केबल की मदद से इसको चेक करना है सीरीज बोर्ड से। ये आपस में टच करने पर ग्लो कर रहा है बल्ब। यदि इसके मेन और इसके एक स्टार्टिंग वाले टर्मिनल पर लगाने पर ये बल्ब ग्लो करता है, यानी कि यह सही है। और यदि नहीं ग्लो करता है तो ये ख़राब है। तो पहले हम इसके कंडेंसर को हटा लेते हैं, तब इसको चेक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास तीन वायर हैं, एक रेड है जो कि मेन है और दो ब्लैक हैं जो कि स्टार्टिंग और रनिंग के हैं। तो हमने सबसे पहले एक ब्लैक में उसमें सॉरी रेड में जॉइंट कर दिया है। अब इसको सीरीज बोर्ड की सप्लाई देते हैं और अब इसको देखते हैं लगा करके, ग्लो कर रहा है तो सही है। दोस्तों देख सकते हैं ये ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये पंखा एकदम ख़राब है। इसकी वाइंडिंग में कोई दिक्कत है, जहाँ तक उम्मीद है इसकी जो रीडियाँ बंधी हुई हैं इसमें दिक्कत होती है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए हमको मोटर को बाहर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा इसको अच्छे से। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में फर्राटे पंखे की बीमारी का पता लगाना सिखाएंगे एकदम आसान तरीके से। तो अब हम इसके पंखुड़ी को खोल लेते हैं। पंखुड़ी को हमें सावधानीपूर्वक खोल लेना है। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये शाफ्ट एकदम फ्री घूम रहा है। धूप के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी ही देर बाद धूप जो है हटा दी जाएगी फ्रेंड्स। तो अब हमको इसे खोलना है, तो इसको हम जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने पेंच खोल लिया, इसमें तीन पेंच लगे थे फ्रेंड्स। तो अब हम इसको रूटर को निकाल लेते हैं, इसको पलट करके। इस पे हमें हैमर से हल्की सी चोट देनी है, तो एक ही बार में ढीला था दोस्तों, इसीलिए निकल गया है बाहर। तो देख सकते हैं इसका रूटर एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आगे वाला बैरिंग थोड़ा आवाज़ करता है, बट कस्टमर ने बदलने को कहा नहीं है। तो हम इसमें जो है इस मोटर की जो है लीड आप देख पा रहे हैं, एक जो है रेड कलर का और दो ब्लैक कलर के वायर्स हैं, इनको हमें चेंज करना है। जहाँ तक दोस्तों ये रीड ही ख़राब निकलती हैं ज़्यादातर, और या तो दोस्तों इसमें मूसे काट देते हैं तो ये पंखा दोनों दिशाओं में चलता है, जिधर को आप उंगली लगाकर इसको डायरेक्शन देंगे उसी साइड में चलेगा। तो अब इस स्टेटर को निकालने के लिए हमको अंदर से इसको इस तरीके से एक ईंट पर रखना पड़ेगा, ताकि स्टेटर के नीचे जगह बन जाए, इसको हम ठोंक सकें आसानी से। तो इस तरीके से एक शाफ्ट और हैमर की मदद से इसको बराबर बराबर चारों साइड में ठोंक देना है। तो मैं इसको ठोंक कर निकाल दे रहा हूँ, बड़ी ही आसानी से निकल गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये निकल चुका है हमारा। अब हम इसकी करते हैं रिपेयरिंग, जिसमें कि हमें रीड्स को काट कर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमने मोटर को बाहर निकाल लिया है। अब इसमें जो ये धागा लगा हुआ है, अब इस धागे को हमें काटना पड़ेगा, जिससे कि रीडें बाहर आएंगी, जिससे कि हम पता लगा पाएंगे कहाँ पर से फॉल्ट है इसमें। इसके लिए हमें तीन नंबर स्लिप पाइप की ज़रूरत होगी, जो कि वायर में पड़ेगी, और एक नंबर जो कि वाइंडिंग वायर में पड़ेगी फ्रेंड्स, और एक डोरा और एक सिलाई के लिए सूजा, ये चीज़ें इस्तेमाल में लेनी होंगी। तो अब हम इसको करते हैं कट। जो ये आप धागा देख पा रहे हैं, इसको स्लिप पाइप के ऊपर ही कट करना है। यदि आप वाइंडिंग पर कट करेंगे तो तार कटने का डर रहता है, यानी कि वाइंडिंग वायर कट जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा धागा खोल लेना है, जहाँ तक कि ये रीड्स बंधी हुई हैं। तो इसको खोल कर हम जल्दी से करते हैं कंप्लीट। वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, आप पंखे की बीमारी को पता लगाना सीख जाएंगे। तो हमने धागा को काट लिया है, अब हम इसको बड़े ही सावधानी पूर्वक इसको छुड़ा लेते हैं। ये चिपक चुकी हैं आपस में, ये हीट हो चुकी हैं,
इसी कारण इसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी अंदर से। जो वाइंडिंग वायर है वो बाहर जो वायर हमने निकाले हैं उनसे अलग हो गया होगा, तो हमें इसको स्लीव पाइप को निकाल कर देखना है। स्लीव पाइप को निकालने के लिए हमें एक प्लास की मदद से इसको दबा दबा कर ढीला कर लेना है, इस तरीके से इसको अच्छे से दबाकर और हल्के हाथों से इसको बाहर की ओर खींचना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। तो देख सकते हैं हमारा ये बाहर आ चुका है, इसमें अब भी वायर लपटा है थोड़ा सा, इसको खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हमें दोनों वायर्स को खोलना है। तो अब हम इसको खोलते हैं, तो देख सकते हैं इसमें जुड़ा नहीं था और ये हीट भी हो गया है। यही कमी थी फ्रेंड्स, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों वायर रेड वाले वायर में जुड़े नहीं थे, इसीलिए दोस्तों ये ब्लैक वायर से अपना संबंध नहीं बता रहा था, यानी कि ग्लो नहीं कर रहा था। तो ये वायर हमारा टूट चुका है, इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे बाद में रनिंग वाला। और इसमें देख सकते हैं एक बार रिपेयर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज्वाइंट बहुत हैं। तो अब हमने सभी को खोल लिया है, अब हम इसको जला कर करते हैं साफ़, जिससे कि ऊपर का इंसुलेशन हट जाएगा, जिससे कि अच्छे से इसमें सप्लाई आएगी। तो इसको हमें हल्के हाथों से इस तरीके से साफ़ कर लेना है। तो इसको हम साफ़ कर देते हैं फटाफट, ये थोड़ा जला हुआ नहीं है तो इसको हम दोबारा जला लेते हैं थोड़ा सा। अब देख सकते हैं यह साफ़ हो चुका है, इसके सभी वायर साफ़ हो चुके हैं। अब हमको इनमें करना है कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए हमें एक दो वायर्स की ज़रूरत होगी, जिसमें कि तीन नंबर स्लीव पाइप लगाकर हमें कनेक्शन करना होगा। तो पहले हम रनिंग में करेंगे और फिर स्टार्टिंग में। तो अब हम इसको सीरीज के माध्यम से चेक करके दिखाते हैं आपको। रनिंग और रनिंग वाले दोनों सिरों में हमको टच करना है इसके दोनों वायर्स को। तो देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि अब परफेक्ट है। तो स्टार्टिंग में भी ग्लो कर रहा है, यानी कि मोटर एकदम सही है, वाइंडिंग भी ठीक है। बस वही दिक्कत थी, जो दोनों वायर थे रनिंग और स्टार्टिंग के, वो रेड वायर में जुड़े नहीं थे, इसलिए ब्लैक वायर से और रेड वायर में टच करने पर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो देख सकते हैं अब हम इसके करते हैं कनेक्शन। जो ये वायर देख पा रहे हैं इनमें हमें वायर्स को जोड़ना होगा, जिससे कि बाहर की ओर लीडें निकाली जाएंगी। तो अब हम इनमें करते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहले इसमें एक नंबर स्लीव पाइप लगा लेते हैं। स्लीव पाइप बड़े ही ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसमें नीचे एक जॉइंट है। तो स्लीव पाइप हमने आसानी से इसको लगा दिया है नीचे तक। इसी तरीके से हमने सभी वायर्स में स्लीव पाइप, एक नंबर स्लीव पाइप डाल देनी है। स्लीव पाइप के बाहर इतना सिरा हमको झोंटना है फ्रेंड्स, ताकि वो वायर में आसानी से कनेक्शन हो सके। तो हमने स्लीव पाइप एक नंबर हैं जो कि डाल दी है। अब हमें इन वायर्स को अलग खोल लेना है। तो हम ब्लू वायर को रनिंग वायर में अटैच करने वाले हैं। तो इससे पहले हमको इसमें स्लीव पाइप डाल देनी होगी दो, जो कि तीन नंबर हैं। तो इसमें हम लगा देते हैं स्लीव पाइप। अब इसके वायर्स को छील लेते हैं। अब हमने स्टार्टिंग के दोनों सिरे को अंदर की ओर कर दिया है, और इसके बाहरी वाले जो कि रनिंग वाले हैं उनमें हमें इसके दोनों सिरों को जोड़ना है। तो हमने एक सिरे में ब्लू वायर का एक सिरा जॉइंट कर दिया है। अब इसके दूसरे सिरे को रनिंग के दूसरे सिरे में जॉइंट कर देना है। तो हम जॉइंट कर देते हैं इस तरीके से। ये सब काम दोस्तों हल्के हाथों से करना है। यदि आप इसमें जो है ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाइंडिंग वायर अलग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें हम वाइट वायर को लेते हैं। अब इसमें हम स्लीव पाइप लगाकर इसको जोड़ दिए हैं। तो देख सकते हैं आप, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें वाइट वायर जोड़ रखा है, और जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें ब्लू वायर जोड़ रखा है। तो अब हम इसके ऊपर स्लीव पाइप तीन नंबर चढ़ा देते हैं दोनों पर। इस तरीके से हमको स्लीव पाइप चढ़ा देना है। तो देख सकते हैं हमारा कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम इसको सिलने वाले हैं इस सूजे की मदद से, जो कि वाइंडिंग वायर से बनाया हुआ है। और ये धागा अब हम इसमें बांध लेते हैं इसको। इसमें दो गांठ लगा लेते हैं, जिससे कि निकलेगा नहीं ये सिलाई करते वक्त।
अब इसका जो आखिरी सिरा है वो काट देते हैं, स्मूथ हो जाएगा ये, अच्छे से स्लॉट में जाएगा। तो अब हमें इसको मैनेज करके बांध देना है एक साइड में इस तरीके से, मोड़ मोड़ कर इसको एक पास में कर लेना है और इसमें एक खूंटा गांठ लगाकर सिलाई कर देनी है। तो सबसे पहले एक स्लॉट में डालना है हमको और इस तरीके से खींच कर, और फिर उसी स्लॉट में हमको डालना है और इस तरीके से एक फंदा मार कर इसमें से इस वायर उसको धागे को निकाल कर टाइट कर देना है। तो हमारी खूंटा गांठ कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी सिलाई कर देते हैं एक एक स्लॉट छोड़ कर आगे की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। लास्ट में हमने 3 बार इसमें फंदा लगा दिया है ताकि ये अच्छे से टाइट हो चुका है, ह्यूमिंग भी नहीं करेगा। यदि सिलाई ढीली रहेगी तो फ्रेंड्स ये स्टेटर जो है ह्यूमिंग की आवाज़ करता है। अब इसके बचे हुए धागे को काट लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी कनेक्शन हो चुकी है कम्प्लीट, और इसके जो ये धागे निकाले थे हमने इसको भी कट कर लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अब इनको वायर्स को भी कट कर लेना है और छील लेना है हमें चारों वायर्स को। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, जो ब्लू वायर है वो रनिंग का है और जो वाइट वायर है वो स्टार्टिंग का है। इसी तरीके से हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अब या तो हमें एक साइड के रनिंग और स्टार्टिंग को जोड़ देना है या तो दूसरी साइड के। तो हम इस साइड वाले को जोड़ रहे हैं जो कि ये मेन बन जाएगा। इसमें डायरेक्ट एक मेन सप्लाई जुड़ेगी और जो ये 2 वायर हैं इनमें हम पहले सीरीज से चेक करके आपको दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं कनेक्शन की इसकी। तो हमने मेन में एक सप्लाई का वायर जोड़ दिया है जो कि सीरीज बोर्ड से आया हुआ है। अब हम इसमें चेक करके देखते हैं। तो ये ग्लो कर रहा है, तो यानी कि ये वाइंडिंग सही हो चुकी है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इस मोटर को फिटिंग करना है और आपको चलाकर दिखाते हैं। जो हमने दोनों वायर आपस में जोड़े हैं उनमें एक मेन सप्लाई जाएगी और इनमें कंडेंसर जुड़ेगा और सप्लाई उसमें कंडेंसर वाले ब्लू जॉइंट पर जाएगी। तो देख सकते हैं हमने इस मोटर को ले लिया है। अब हम इसमें इसको फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें लगा देना है और एक शाफ्ट और हैमर की मदद से इसको बराबर बराबर चारों ओर ठोंक देना है। दोस्तों हमें इसको इतना अंदर की ओर ठोंकना है ताकि इसकी जो वाइंडिंग है वो आपस में सॉरी बॉडी में टच होने से हल्की हल्की रह जाए, यानी कि बॉडी में आगे टच ना हो। तो देख सकते हैं हमने इसको ठोंक कर दिया है कंप्लीट। अब हम इसमें रोटर डाल देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा रोटर है, इसको हमें इस तरीके से डाल देना है अंदर की ओर बड़ी ही सावधानी से वाइंडिंग वायर से बचा करके, यदि इसमें वाइंडिंग वायर अटैच होगा तो छिल जाएगा दोस्तों। और हमें वायर्स को निकाल लेना है नहीं तो ये वायर्स कट जाएंगे। और इसके छेद को आपस में मिला करके इस तरीके से लगाकर इसमें स्क्रू लगा देना है। ये 3 स्क्रू हैं, इसमें 3 स्क्रू फिट कर देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देख सकते हैं हमने इसके पेंच को लगा दिया है और अब हम इसे करते हैं बराबर बराबर टाइट। इसको हमें बराबर बराबर टाइट करना है। यदि आप एक साइड में ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये फ्रेंड्स जाम हो जाएगा इसकी शाफ्ट। अब इसको हैमर की मदद से थोड़ा एडजस्ट करके इसको फिर से एक बार कस देते हैं अच्छे से। तो हमने इसको टाइट कर दिया है और अब हम इसकी शाफ्ट को घुमा कर देखते हैं। ये फ्री है एकदम, यानी कि ये पंखा अब चलने के लिए रेडी है। तो देख सकते हैं हमने इसमें पंखुड़ी लगाकर फिट कर दिया है। अब इसमें देख सकते हैं कंडेंसर जोड़े जा रहे हैं। तो एक कंडेंसर हमें रनिंग में जोड़ना है और एक स्टार्टिंग में जो कि वाइट वायर में है इसमें इसको अटैच कर देना है। और जो रनिंग और स्टार्टिंग वायर आपस में जुड़े हुए हैं उनमें हमें एक मेन सप्लाई दे देनी है इस तरीके से। और जो दूसरी सप्लाई की वायर्स है उसको रनिंग वाले कंडेंसर जॉइंट पर जोड़ देना है। इसी तरीके से हमको बाहर की ओर लीड निकाल देना है
जिससे कि हमारा फ़ैन आसानी से वर्क करेगा। तो अब हम इसको सप्लाई देकर आपको दिखाते हैं। इसके जॉइंट्स को अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम सप्लाई देकर दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। तो अब हम इस वाइंडिंग वायर्स को खोल लेते हैं। आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना है और बाहर की लीड निकाल देना है और इसका बाहर वाला जो टप होता है उसको लगा देना है। तो अब देख सकते हैं आप, इसको हम एक बार फ्रंट साइड से आपको चलाकर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये एकदम स्पीड में चल रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें वही दिक्कत थी जो मेन था फ्रेंड्स, हमारा वायर वो अब उसमें रनिंग और स्टार्टिंग के जो वाइंडिंग वायर थे वो जुड़े नहीं थे, इसलिए फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से अपने घर पर ही पंखे की बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।